नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गुजारा भत्ता से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। पति पत्नी के बीच मतभेद पैदा होने पर अक्सर महिलाओं को ज्यादा समस्याएं आती हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि आर्थिक जरूरतों के लिए महिलाएं अमूमन अपने पुरुष साथी यानी कि पति पर निर्भर करती हैं। विवाद की स्थिति में उन्हें आर्थिक तंगी से बचाने के लिए कानून में कई प्रावधान किए गए हैं। अगर महिला कमा भी रही है तो भी पति के साथ मतभेद पैदा होने पर उसे गुजारा भत्ता दिया जाएगा। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि वह पति की तरह सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। पत्नी के नौकरी न करने पर विवाद की स्थिति में कोर्ट महिला की उम्र, शैक्षिक योग्यता, कमाई करने की क्षमता देखते हुए गुजारा भत्ता तय करता है। गुजारा भत्ते में बच्चे का खर्च शामिल नहीं है, उसकी देखरेख के लिए पिता को अलग से पैसे देने पड़ते हैं। अगर महिला भी कमा रही है तो उसे भी अपनी कमाई का हिस्सा बच्चे की देखरेख के लिए निकालना पड़ता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी और विस्तार से हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ आपको बताएंगे, जो कि हैं परमानंद पांडे जी, आपको जानकारी देंगे। परमानंद जी, आपको गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आप भी इससे जुड़ा कोई सवाल जानना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो कि है 01206127937। इसके अलावा आप 01206127938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता परमानंद पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। परमानंद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? धन्यवाद आपको। आपने शुरू में ही अपने प्रस्तावना में इस बात को बता दिया था कि गुजारा भत्ता आपको एक डिग्निटी के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का एक साधन है। ये कानून में प्रावधान किया गया है कि जिससे आप पूरे डिग्निटी के साथ, स्वाभिमान के साथ, अपने इज्जत के साथ अपने जीवन का बसर कर सके, इसलिए ये गुजारा भत्ते का प्रावधान किया गया है। जी जी। अब जी, गुजारा भत्ता के तात्पर्य में ये बात आप खास तौर पर हमारे दर्शकों को जानना जरूरी होगा कि गुजारा भत्ता एक तो है कि स्पेशल जिसमें केवल स्त्री अधिकार है गुजारा भत्ता पाने का, दूसरा है हिंदू मैरिज जिसमें पत्रों को गुजारा भत्ता मिल सकता है, और तीसरा है प्रावधान है वो सेक्शन, वो धारा 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें बच्चे को, माता पिता को और पत्नी को, ये सारे लोगों को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। लेकिन हमारी यहाँ बात आज केवल महिला, पुरुष और स्त्री के संबंध से लेकर के है कि इन पर गुजारा भत्ता किसको मिलेगा। तो इसमें आपने प्रस्तावना में एक बात ठीक कही थी कि अधिकतर यही होता है कि स्त्री को ही गुजारा भत्ता मिलता रहा है, लेकिन अभी के कुछ के फैसलों के अनुसार ये निर्णय हुआ है कि नहीं, ये गुजारा भत्ता पुरुष को भी मिल सकता है अगर ये पुरुष साबित हो जाए कि वो मान लीजिए कि वो कमा नहीं रहा है या किसी तरह से वो हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, जो कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्त्री अगर ज्यादा पैसा कमा रही है और ज्यादा उसका धनार्जन हो रहा है पैसे या अच्छी कमाई हो रही है, तो उसका काम ये होगा कि वह पुरुष को भी गुजारा भत्ता दे। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। जी 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 जी। तो किन किन हालातों में महिला को गुजारा भत्ता मिलता है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब गुजारा भत्ता दिया जाता है महिलाओं को? गुजारा भत्ता तो उस हालत में मिल जाता है कि जब स्त्री के बीच में मान लीजिए संबंध विच्छेद होने की स्थिति आ गई है या दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है, तो उस स्थिति में स्त्री को गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार होता है। वह गुजारा भत्ता के लिए वो क्लेम कर सकती है, वो कोर्ट में इस बात को वो दरखास्त दे सकती है कि नहीं, हमको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए क्योंकि अब हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। तो उस स्थिति में पुरुष को भी, पुरुष को जीवन
उसका गुजारा भत्ता देना पड़ता है, उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है जी, ये एक सस्टेनेंस है, ये एक आपको जीवन और भरण का जीवन भरण के लिए ये चीजें मिलती, ये इसके लिए दिए जाते हैं कि आप अपने जीवन को ठीक से बिता सके। और एक चीज और इस मामले में ध्यान में रखनी कि नियम के अनुसार तो ये था कि एक से एक तिहाई से लेकर के एक पांचवें हिस्से से लेकर के और एक तिहाई हिस्से तक की पुरुष के वेतन से या पुरुष की कमाई से स्त्री को गुजारा भत्ता मिलता है। लेकिन अब की स्थिति आ गई है, अब ये कहना है कि अगर पुरुष बहुत मान लीजिए सहनसाय का जीवन जी रहा है, अच्छे ढंग से लैविश लाइफस्टाइल है, तो उस स्थिति में स्त्री को भी उसी के अनुसार गुजारा भत्ता मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 1,00,000 रुपया खर्च कर रहे हो, पुरुष खर्च कर रहा हो, तो स्त्री को 5,000 या 10,000 या 8,000 रुपये मिलेंगे। उसको भी ये ध्यान में रखना होगा कि उसका भी जीवन एक अच्छे नागरिक की तरह से बीते और उसका पति जिस ढंग से जी रहा है उसी ढंग से। जी जी, तो पति की जिस तरह से कमाई होती है, अर्निंग होती है, उसी हिसाब से महिला को भी गुजारा भत्ता मिलता है। अगर महिला कमा रही है परमदन जी, तो भी पति के साथ मतभेद पैदा हो जाते हैं, अक्सर हम देखते हैं, और इन हालातों में गुजारा भत्ता क्या दिया जाता है? यानी कि महिला अगर कमा रही है तब भी गुजारा भत्ता दिया जाएगा? महिला अगर कमा रही है तो गुजारा भत्ता दिया जाएगा, ये बात ठीक है, क्योंकि जो समाज ऐसा मान के चला जाता है कि ये बेसिक जिम्मेदारी पुरुष की है कि वो स्त्री का ध्यान रखते हैं। लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां आती है कि मान लीजिए या आप 50,000 या 60,000 या 1,00,000 रुपए स्त्री वेतन पा रही है, उसकी कमाई प्रतिमाह हो रही किन्हीं स्रोतों से, तो और पुरुष की कमाई अगर मान लीजिए 20,000 30,000 हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ये जिम्मेदारी नहीं है कि पुरुष उसको गुजारा भत्ता। ऐसी गुजारा भत्ता का मतलब आप समझ लीजिए कि मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस की स्थिति ये नहीं होती है कि आप कोई कमाई किसी की 1,00,000 रुपया हो तो वो 25,000 रुपए वाले को सपोर्ट दे, ऐसी स्थिति भी नहीं है। लेकिन आपको ये मान के या आपको ये बताने में हमको कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आजकल स्त्रियां कई बार ये है कि उनका वेतन या उनकी कमाई पुरुषों के अपेक्षा अधिक होती है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को कहा है कि नहीं, आप उस समय गुजारे भत्ते के हकदार नहीं होंगी, क्योंकि गुजारा भत्ता का तात्पर्य जैसा इसके शब्द से ही लगता है कि गुजारे के लिए दिया जाता है। ये इसलिए नहीं होता कि आप किसी तरह का उससे ले करके एक्सटॉर्शन करें, आप इसके पैसा ले आए, ये इसके लिए नहीं दिया जाता। जी जी, ये इसका उद्देश्य। परमानंद जी, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, देवीलाल चंडीगढ़ से। देवीलाल जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि सीनियर सिटीजन के लिए 2007 एक्ट बना है, मैं जो है ना आज 8-9 साल से ना केस भुगत रहा हूँ जी। हाँ, मेरे लड़के ने डीसी साहब फैसला दे दिए थे घर खाली करने के लिए, उसने सिविल कोर्ट में केस कर दिया, 3-4 साल उसमें चला। अब 2017 से अभी तक केस चल रहा है, कोई फैसला नहीं हुआ जी, तो जी। मेरे को हाई कोर्ट में वो कर दिया है केस, फिर क्या उपाय है इसके लिए, क्या करें जी, क्या सलाह देना चाहेंगे परमानंद जी ने जी? इसमें तो इसमें मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि हाई कोर्ट में इस मसले को आप एक एप्लीकेशन होते ही एक दरखास्त दी जाती है कि अर्ली हियरिंग की जाए, इसके जल्दी से जल्दी सुनवाई करके आप केस पर निर्णय लिया जाए, क्योंकि आप ये न्यायालय उच्च न्यायालय के संज्ञान में ये मसला आ चुका है, वहां पर आ चुका है, तो इस नाते अब आप उच्च न्यायालय का ही ध्यान इस तरफ आकर्षित करिए और उनको बताइए कि हम इतने दिनों से परेशान हो रहे हैं और इस परेशानी का हल कोई जल्दी दिखाई नहीं दे रहा है, लिहाजा जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई करके इसका फैसला कर दिया जाए, जिससे मुझे बहुत राहत मिलेगी। अगर ये एप्लीकेशन अर्ली हियरिंग वाली लग जाएगी आपके, तो मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय आपके ऊपर आपको एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जल्दी से जल्दी। जी जी, तो उच्च न्यायालय से राहत मिल सकती है देवी दयाल जी आपको, आप सलाह मानकर ये कदम उठा सकते हैं और उम्मीद है आपको राहत जल्द मिले। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं परमानंद जी, अगला सवाल आपसे जाना चाहेंगे कि गुजारे भत्ते में बच्चे का खर्च भी शामिल होता है क्या, और क्या बच्चे के लिए अलग से भत्ता देना पड़ता है? जी जी, गुजारे भत्ते में
केवल स्त्री का ही नहीं, अगर वो बच्चा है तो बच्चे का खर्च भी उसमें शामिल होगा और बच्चे के लिए उसमें देना पड़ेगा खर्च। आपको ये एक नहीं कई ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आ चुके हैं कि जिसमें स्त्री के खर्च के लिए, गुजारी के लिए अलग से और बच्चे के खर्च के लिए अलग से देना पड़ा है, क्योंकि बच्चे का खर्च कौन निर्वहन करेगा, वो भी तो उसके लिए भी गुजारी की जरूरत है और बच्चे का खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, उसकी पढ़ाई का, उसकी लिखाई का, उसके कपड़े का, उसके खाने का, उसके पीने का, उसके रहने का, उसके खेलने का, कूदने का, ये सारी जिम्मेदारी पति का तो निभानी पड़ेगी और उसको भी गुजारा देना पड़ेगा। पहले तो शुरू में ऐसा होता है कि स्त्री को गुजारा भत्ता ज्यादा मिलता है और बच्चे को कम मिलता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि बच्चे के गुजारा भत्ता माँ के गुजारे भत्ते के बराबर हो जाता है या उससे अधिक भी कर दिया। जी जी, लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं गुजारा भत्ता को लेकर, क्या कुछ कानूनी प्रावधान इसमें दिए गए हैं, और हमारे अधिवक्ता परमानंद पांडे जी बने हुए हैं लगातार। परमानंद जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या पति को भी गुजारा भत्ता मिल सकता है, और अगर ऐसा है तो किन हालातों में मिल सकता है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था जी कि पति को गुजारा भत्ता सामान्य तौर पर नहीं जी, लेकिन मिल सकता है अब नए कानून के अनुसार कि उनको भी गुजारा भत्ता तब मिल सकता है कि जैसे पति विकलांग हो या किसी तरह से काम करने की स्थिति में ना हो, उसके कोई जीवन यापन का कोई साधन ना हो और पत्नी ज्यादा कमा रही है, ज्यादा पैसा उसको अर्जित हो रहा है, तो वह गुजारे भत्ते का हकदार होता है और वह डिमांड कर सकता है और उसको मिलेगा भी। निश्चित तौर पर इसमें उसको प्रावधान है कि वो गुजारा भत्ता उसको मिलेगा, लेकिन उसमें पति को ये साबित करना होगा कि वह अपना भरण नहीं कर सकता है, वो अपना गुजारा नहीं चला सकता है बिना स्त्री के, बिना पत्नी के हेल्प के, बिना पत्नी की सहायता के, उसका जीवन जो है पूरा नारकी हो जाएगा। उन स्थितियों में गुजारा भत्ते की मांग कर सकता है और उसको कोर्ट देता भी है। कई ऐसे केस आए हैं जिनमें कोर्ट ने पत्नी को गुजारा भत्ता दिया है। जी जी, तो जो गुजारा भत्ता होता है क्या उसकी सीमा भी तय की जाती है, और तय की जाती है तो किस हिसाब से, किस आधार पर ये तय की जाती है? ये सवाल बहुत दिनों से ये लोगों के मन में रहा है कि गुजारा भत्ता अगर तय किया जाता है तो कैसे। अब इसमें पहले से भी अगर ध्यान होगा तो आपको मालूम होगा कि पहले तो ये था कि सेक्शन 125 में सीआरपीसी में अधिकतम सीमा 500 रुपए तक, लेकिन अभी की स्थिति आ गई है कि नहीं, गुजारा भत्ता आपको उतना मिलेगा जिससे आपका जीवन ठीक से चले और वह निर्भर करेगा इस बात पर कि पति की कितनी कमाई होगी। मान लीजिए पति अगर बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है तो आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि आप थोड़ा सा अमाउंट दे दीजिए और कह दीजिए कि हमारा इससे काम चल जाएगा। नहीं जी, जी। आपको अब उसी व्यक्ति के जीवन के आधार पर देना पड़ेगा कि किस ढंग से आप अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, और आपकी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती है कि वो एक बहुत खराब सी जिंदगी बिताए, इस नाते आपको उसके आधार पर गुजारा भत्ता देना। और एक चीज और भी इसमें क्लियर जी, जी। कि हिंदू मेरे दया इस चीज को बहुत क्लियरली कर कि गुजारा भत्ता का 25% से लेकर के 1/3 तक मिलता है, जिससे कई चीजें उसमें देखी जाती हैं, जैसे आप कमाई अगर 1,00,000 रुपए होता है तो वो, और पति कहीं दूसरी जगह पर रहती है जिससे उसका 20,000 रुपए में काम चलता है, तो वह 25% अगर 20,000 रुपए होते हैं तो उसके आधार पर, या 25,000 का होता है तो उसको उतना पैसा मिलेगा, और हो सकता है ये राशि बढ़ा करके 1/3% तक कर दी जाए जिससे उसका गुजारा बढ़ाए। तो ये निर्धारण का एक तरीका ये होता है कि उसके वेतन के अनुसार, उसकी आमदनी के अनुसार वो गुजारा भत्ता तय किया जाता है जो पत्नी को मिलता है। जी जी जी, वहीं हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन के मुताबिक विवाह के विवाद के बाद अगर पत्नी जो है वो अलग रह रही है और अपने बच्चों और परिवार की देखभाल के लिए उसने नौकरी छोड़ दी है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी पति को गुजारा भत्ता देना होगा उसे? जी, देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में नई गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट की आई है
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आपको यह देना पड़ेगा कि वो पत्नी को आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। और इसके पीछे एक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले इस दौरान आ चुके हैं जी जी। और ये कई फैसले आ चुके हैं कि एक रीजनेबल अमाउंट आपको, ये तार्किक रूप से कितना तर्कसंगत ढंग से आपको भी ये आपके गुजारे के लिए होता है, इस ढंग से आप डिग्निटी जिंदगी बिता सकते हैं, इस आधार पर आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन आ चुकी है, गाइडलाइन के अनुसार देना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस केस में ऐसा हुआ कि 2011 से केस चल रहा था और वो लटका रहा, बहुत दिनों तक लटका रहा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक आते आते ये फैसला किया गया कि इसको किसी तरह से मेडिएशन में सुलझा दिया जाए। लेकिन मेडिएशन में जब नहीं समझ पाया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि नहीं, ये इनका क्राइटेरियन के अनुसार जिस तरह से स्त्री का जीवन यापन ठीक ढंग से चल सके, उसको एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ है, ये जैसे आर्टिकल 21 पे राइट टू लाइफ है मिला हुआ है, इसके आधार पर उसको गुजारा भत्ता आपको देना। जी जी जी। तो भाई, जो गुजारे भत्ते से जुड़ी धारा है 125, इसके बारे में जानना चाहेंगे, ये कब लगाई जाती है? गुजारे भत्ते से, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि तीन धारा है, एक तो स्पेशल मैरिज एक्ट का है और एक हिंदू मैरिज एक्ट की धारा है 24, और स्पेशल मैरिज एक्ट की सेक्शन धारा 36, और ये सेक्शन 25 ये तब लगाई जा सकती है जब आपको ये लग रहा है कि नहीं मिल रहा है, और सेपरेशन मान लीजिए तलाक नहीं हुआ है और अलग से रह रहे हैं, पत्नी अलग रह रही है पति अलग, और तलाक नहीं हुआ, तो उस स्थिति में सेक्शन 125 को आप उसमें एप्लीकेशन दीजिए, और उस एप्लीकेशन के अनुसार कोर्ट इस चीज को डिसाइड करेगा कि आपको कितना वेतन दिया जा सकता है, कितना गुजारा भत्ता दिया जा सकता है, वो निर्धारण करेगा, उसी के आधार पर उसको गुजारा भत्ता मिलेगा। तभी ये CRPC का प्रावधान जी। तो क्या लिव इन पार्टनर भी गुजारा भत्ता के लिए हकदार होता है? जी, लिव इन पार्टनर भी गुजारे भत्ते का हकदार होता है, और उसमें यह है कि आपको ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है कि लिव इन पार्टनर के रूप में अगर कोई रह रहा है और उसको अगर आपसे अलग कर दिए हैं और बुझकर नहीं दे रहे हैं, तो किस ढंग से वो आपसे उसका तो पूर्ति करेंगे ना। लेकिन वो तो अब कानूनी रूप से मान्यता मिली चुकी है कि आप अगर नहीं देते हैं तो ये एक वायलेंस हुआ, ये एक हिंसा हुई, इस हिंसा को रोकने के लिए आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, उसके जीवन यापन का पूरी तरह से व्यवस्था करानी पड़ेगी, नाते लिव इन रिलेशनशिप में भी गुजारा भत्ते का प्रावधान है। जी जी। तो लिव इन में भी गुजारा भत्ता देना पड़ेगा अगर आप अलग हो रहे हैं तो। परमानंद जी, ये जानना चाहेंगे कि क्या गुजारा भत्ता जो दिया जाता है तो एक मुश्त दिया जाता है या फिर किश्तों में भी इसे दिया जा सकता है? देखिए, गुजारा भत्ता और एलिमनी दो में थोड़ा सा फर्क है। जी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फर्क ये है कि गुजारा भत्ता मंथली दिया जा सकता है, थर्ड मंथली 3 महीने पर दिया जा सकता है, 6 मंथली दिया जा सकता है, या एनुअल दिया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस आधार पर कब आप पैसे मांगते हैं, दोनों के पर आप निर्भर करते हैं। लेकिन एलिमनी जो है वो आपको इकट्ठा ही देने पड़ेगा, ये दोनों में ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आप एलिमनी मांग रहे हैं या गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता तो आप मंथ वाइज देना पड़ेगा, महीने दर महीने देना पड़ेगा, हर तीसरे महीने देना पड़ेगा, ये इकट्ठे नहीं। या आपका अगर सेपरेशन हो रहा है तो सेपरेशन भी एक समय ले सकते हैं, आप पूरी तरह से एलिमोनी के रूप में आप ले सकते हैं, वो इकट्ठा ले लीजिए, ये इकट्ठा मिलने का प्रावधान है कि आप इकट्ठा मिल जाए इसको ले लीजिए, नहीं तो गुजारा भत्ता आपको महीने दर महीने और या तो 3 महीने के बाद। जी जी। वहीं अगर गुजारा भत्ता देने से इनकार करता है अगर कोई, तो फिर कानूनी कार्रवाई उस पर क्या हो सकती है? जी, अगर कोई गुजारा भत्ता देने से इनकार करता है तो कोर्ट में आप तुरंत प्रार्थना पत्र दीजिए, दरखास्त लगाइए, एप्लीकेशन दीजिए, और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें 1 साल की सजा और पेनल्टी पैसे का भी प्रावधान किया गया है कि आपको उसके ऊपर फाइन लगाई जाएगी, और 1 साल तक की सजा का प्रावधान भी है कि अगर आप पुलिस को देखते हैं तो, क्योंकि ये एक निर्णय है
और निर्णय का पालन न करना आप में एक कोर्ट की अवमानना हुई है। इस नाते मजिस्ट्रेट को यह पावर है, ये कानून के अंदर प्रदत्त अधिकार है कि वो उस व्यक्ति को या तो सजा दे या उसको फाइन लगाए या दोनों चीजें उसके साथ। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया परमानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को गुजारे भत्ते से जुड़ी हुई, और कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।